जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल पे। CISF फाइनल का जो रिजल्ट आना था वो नवंबर के पहले वीक में आ रहा है, मैंने आपको बताया था, और रिसीप्ट आंसर की आज या कल में आने वाली है। जी हाँ, मैं आपको बताऊँ, CISF फाइनल की जो रिसीप्ट आंसर की है वो आज या कल में आने वाली है। बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है आप लोगों के सामने। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा, पूरी वीडियो में अपडेट दूँगा क्या आपका रहेगा स्कोर, मेडिकल आपका कब होगा, कट ऑफ कितनी जाएगी, क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसेस नहीं है, और किन लोगों के नंबर कटेंगे, किन लोगों के नंबर बढ़ेंगे। नॉर्मल एडमिशन तो होने जा रहा है, इसमें आपको पता ही होगा, लेकिन अब रिसीप्ट आंसर की हमारी आज या कल में आ जाएगी। आज 31 अक्टूबर हो चुकी है, आपको पता ही होगा, कल है हमारी 1 नवंबर, तो रिजल्ट भी हमारा जल्दी आना है। चलिए हम बात करते हैं भाई साहब। देखो, आपको पता ही होगा, आपका एग्ज़ाम हुआ था 26 सितंबर को, तो 1 महीना प्लस हो चुका है। तो मैंने आपको बताया था, मैंने अपडेट ली थी, तो उन्होंने बताया था मुझे कि आपका जो आंसर की थी वो तो आपको 2-3 दिन में आ गई थी, उसके बाद अब रिजल्ट कब आना है। देखो भाई, मैंने बताया था आपको, या तो अक्टूबर के लास्ट वीक में बताया था, लेकिन नवंबर के पहले वीक में मैंने आपको पूरा वादा किया था आ जाएगा। तो मैंने फिर बात किया, अब बताऊँ आपको, कल शाम को 30 अक्टूबर को, तो उन्होंने बोला, देखो भाई, आपका जो रिजल्ट है वो नवंबर के पहले वीक में पूरी कोशिश से जारी कर दिया जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कट ऑफ की बात करें, देखो कट ऑफ कम जाने के चांस होने हैं, आपको पता ही होगा। देखो कट ऑफ मैंने 80 के आसपास बताई है, बट उससे आप जो मैंने कट ऑफ बताई है 80 का, वो हाईएस्ट कट ऑफ बताई है, आप उससे कम और ले लीजिए कट ऑफ 1-2 नंबर, ठीक है। कितने नंबर कम ले लीजिए, देखो उसमें आपको बताऊँ, कट ऑफ मैंने बताई है OBC के आपको 82 से 85 के बीच, ठीक है, 82 से 85 के बीच। वहीं पर बात करें हम, देखो हमारी अब जनरली कट ऑफ 1 नंबर या 2 नंबर नीचे और जा सकती है, उम्मीद है, क्योंकि बात की है मैंने, वही अपडेट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कट ऑफ के बारे में बताया, OBC की 80 से 82 बताई थी, तो OBC की 79 मान लीजिए आप। ये अपडेट मैंने लिया भाई, आपको बता रहा हूँ, कोई झूठ मूठ वीडियो नहीं बना रहा हूँ भाई, जो मैं अपडेट लेकर आता हूँ वही आपको बताता हूँ। उसके बाद SC ST वाले 75-74 नंबर पे, ST और 76-77 हो जाएगा SC वालों का काम, ठीक है। क्योंकि ये खुशखबरी क्यों है, क्या है, क्या नहीं, मैंने कल बात की थी जो सर हैं उनसे, उन्होंने साफ साफ बोल दिया, देखो भाई, जिसमें आपको पता है 1149 पहले पोस्ट थी, वो पोस्ट बढ़कर कितनी होगी, 1721 तो हमारी पोस्ट हो चुकी हैं, ठीक है, वैकेंसी बढ़ी, प्लस जिन स्टूडेंटों ने इसका फिजिकल और एग्ज़ाम दिया था वो इसका इंतजार करते करते SC GD 2022 में वो क्वालिफाइड हो चुके थे। बहुत सारे, कम से कम मान लीजिए आप 1000 बच्चों ने उससे ज्वाइन कर लिया है, इसमें क्योंकि वैकेंसी कम थी तो बच्चों ने SC GD 2022 को ज्वाइन कर लिया है। तो कंपटीशन क्या, खुशखबरी क्या है, जिनके बच्चों के अच्छे नंबर थे उन्होंने तो कैसे GD को ज्वाइन कर लिया है, अब कम नंबर वाले बच्चे इसमें बच्चे हैं, ठीक, अच्छे बच्चों ने तो GD को ज्वाइन कर लिया, जो पढ़ने में अच्छे थे उसके साथ इसमें कुछ कमज़ोर बच्चे और कुछ थोड़े अच्छे बच्चे बचे हैं जिनके अच्छे नंबर है वो बच्चे हैं, ठीक है, तो उन सभी का हो जाए, वैकेंसी बढ़ गई, बच्चे भी कम हो गए, कंपटीशन कम हुआ, वैकेंसी भी बढ़ गई, डबल फ़ायदा हुआ है। तो बहुत ही जल्द मैं उम्मीद करूँगा, ठीक है, सभी का सिलेक्शन होगा, रिजल्ट भी बहुत जल्द आपके सामने आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कट ऑफ मैंने बताई थी आपको, सेफ स्कोर अगर आप ST में हो 75 नंबर पर आपका सेफ स्कोर है, यहीं पर बात करें जनरल या EWS 80 के आसपास रहोगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ये मेरा वादा है आप लोगों, बस क्या करना है आपको, तैयारी करते रहनी, तैयारी को बंद नहीं करना है। फिजिकल आपका हो चुका है और आपका एग्ज़ाम भी हो चुका है, फिजिकल आपका पिछली बार हुआ था 22 में और 23 में एग्जाम हुआ, जल्द ही इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा और तुरंत मेडिकल की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मेडिकल उम्मीद रहेगी कि मेडिकल आपका ये नवंबर में ये लास्ट या दिसंबर के महीने के लास्ट तक करवा लेंगे, पूरी कोशिश रहेगी आपको मार्च में जॉइनिंग देनी है, उन्होंने खुद बोला था मार्च में जॉइनिंग देनी है भाई। और कोई आपको क्वेश्चन डाउट रहता है तो टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से मुझसे संपर्क कर सकते हो, जहाँ आप जहाँ करना चाहो अपने हिसाब से, प्राइवेसी के हिसाब से वहाँ पर आप मुझसे संपर्क कर लेना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर भी आपका कोई डाउट बचता है, क्वेश्चन है, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, नहीं तो कमेंट कर सकते हो, वहाँ पे इसका मैं रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। आई होप, उम्मीद करता हूँ तो आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर आप लोग चैनल पे नए हो चैनल को कर दें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।